दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे OnePlus Note 2T स्मार्टफोन को OnePlus 10R स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Note 2T के अंदर हमें 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ OnePlus 10R के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस फ्लूड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें AMOLED पैनल मिल रहा है, भाई अच्छी बात है। लेकिन यार अगर आपको रिफ्रेश रेट ज्यादा चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली 10R की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट मिल रहा है, भाई अच्छी बात है। यहां Note 2T में तो बस 90 हर्ट्ज देके इन्होंने काम ही मुका दिया, ये हाल है बताओ इनके। और दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आते हैं जो कि ऑक्सीजन OS 12.1 पर बेस्ड है। और अब बारी आती है भाई चिपसेट की, तो Note 2T के अंदर हमें Dimensity 1300 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और वहीं दूसरी तरफ 10R के अंदर हमें Dimensity 8100 Max 5G चिपसेट दिया गया जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और बढ़िया गेमिंग के मामले में यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया है, लेकिन यार अगर आपको एकदम टॉप ऑफ द लाइन गेमिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली 10R की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन में जो हमें Dimensity 8100 Max दिया गया ना भाई, बढ़िया चिपसेट है, गेमिंग आपको शानदार वाली करवा देगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले कोई बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और जो इनका कैमरा सेटअप है ना भाई बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी IMX766 सेंसर दिया गया है, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स का जो मेन कैमरा ना भाई 50 मेगापिक्सल का, वो तो काफी अच्छी फोटोज और वीडियोस आपके क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो Note 2T के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ 10R के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और आपको बता दूं दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स बढ़िया हैं, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो Note 2T के अंदर हमें 4500mAh की बैटरी दी गई है जो कि 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, वहीं दूसरी तरफ 10R के अंदर हमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोस्तों ओवरऑल बड़ी बैटरी के मामले में यहां पर 10R स्मार्टफोन ही विनर है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में से किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन यार स्टीरियो स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि Note 2T स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 29,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ 10R स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 35,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए यार अगर आपका बजट है 29,000 रुपए तक का, तब आप यहां पर डेफिनेटली Note 2T की तरफ ही जरूर से जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है ना भाई 29,000 के प्राइस पॉइंट पे भी काफी ज्यादा हमें बढ़िया वाली दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको बढ़िया वाला चिपसेट चाहिए, मतलब और बढ़िया वाला चिपसेट चाहिए, साथ ही दोस्तों अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली 10R की तरफ ही जरूर से जा सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।